पाकिस्तान के 74वें यौम आजादी में चंद रोज बाकी रह गए। कौम की जश्न आजादी भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर शहर, करिया करिया, सब जिलाली परचमों की बहार है। सरकारी और निजी इमारतें, गली महल्ले भी सजने लगे हैं। पाकिस्तान के 74वें यौम आजादी की आमद आमद है और मुल्क भर में मिली जोश और जज्बा उरूज पर पहुंच गया है। क्या बच्चे और क्या बड़े, वतन की मोहब्बत से सरशार हर शहरी मजहब और नस्ली इम्तियाज से बालातर होकर जश्न आजादी की तैयारियों में मसरूफ अमल है। जश्न आजादी की तैयारियों में बच्चों, बड़ों, मर्दों, खातीन सभी का जोश और जज्बा दीदनी है। बाजारों में यौम आजादी के सिलसिले में लगे स्टॉल्स पर खरीदारों का रश दिखाई देता है। शहरी कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर आरायशी अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। गली महलों और घरों को कौमी परचमों और झंडियों से सजा दिया गया है। बच्चों के लिए झंडियां लेने आए हुए हैं तो बच्चे घर को सजाएंगे, गलियों को सजाएंगे तो बड़ा अच्छा हमें लगेगा। घर के लिए झंडे लेके जा रहा हूँ, बैचेस भी हैं और झंडे भी हैं बड़े। मैं हर साल अपने घर को सजाता हूँ, इंशाल्लाह इस साल भी सजाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। उधर कोरोना केसेस में कमी और लॉकडाउन के खात्मे पर मुश्किलात का शिकार ताजर ने भी कुछ सुख का सांस लिया और परचमों, झंडियों समेत दीगर आरायशी अशिया की फरोख्त में इजाफे पर खुश दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा है, डिमांड पूरी नहीं हो रही, सुबह शाम बस डिमांड पे लगे हुए, लेकिन सप्लाई ज्यादा होती है, इस वजह से बस कोशिश करते हैं कि फितना पूरी हो जाए, पूरी हो नहीं सकती।